भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कुरुक्षेत्र कांग्रेस भवन पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने यात्रा के दूसरे चरण पर दावा किया है कि पानीपत रैली रिकॉर्ड तोड़ रहेगी। वहीं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नैतिकता के आधार पर मंत्री जी को खुद इस्तीफा देना चाहिए। भारत तो जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के अंदर जो आर्थिक विषमता है, जो सामाजिक विषमता है, जो हमारे धार्मिक भेदभाव है, आपस में जो भाई भाई का दुश्मन बनाया जा रहा है, जो हमें हिंदू और मुसलमान के नाम से बांटने का प्रयास किया जाता है, जो हमें जातिवाद का जहर घोल करके एक जात जात से जात पैदा करके हमको आपस में विभाजित किया जाता है, हमें आपस में जो जुड़ने के लिए राहुल जी ने एक साथ इकट्ठा होकर के चलने के लिए ये राहुल जी ने ये यात्रा शुरू की है, और साथ ही जो हमारे बीच में जिस तरह से जो आर्थिक विषमता है, आज जो महंगाई जो चरम सीमा पर जा रही है, आज जो आर्थिक तौर से आज हम जो कमजोर स्थिति जो जा रही है, आज उस पर हमको एकजुट होने की आवश्यकता है। महंगाई चरम सीमा पर आज किस तरह से जो चाहे रसोई गैस का भाव है, चाहे डीजल का है, चाहे वो पेट्रोल का है, चाहे वो खाने की सभी जो वस्तुओं पर जिस तरह से जीएसटी लगाई गई, आज उन सब की बात है जो जो नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिगड़ दूंगा, और आज जो बोर्ड लग रहा है कि इंडिया रोल से। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा भारत और हरियाणा जोड़ने के साथ साथ देश को बचाने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश प्रदेश की जनता को धर्म, भाषा, जात पात में राजनीति से बचना होगा। वहीं खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पर महिला कोष द्वारा लगाए आरोपों पर उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल न करके नैतिकता के आधार पर मंत्री जी को पद मुक्त कर देना चाहिए। निष्पक्ष जांच हो, उसमें निष्पक्ष जांच हो और न्याय हो। नहीं, हो सकती जांच का लगता है। देखिए, निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच में ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई सरकारी प्रभाव ना हो, और वो सरकारी प्रभाव तब नहीं रहेगा जब नैतिकता के आधार पर खेल मंत्री जी स्वयं अपने को पद मुक्त करें। सरकार पर दबाव नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ निष्पक्ष जाँच हो, और निष्पक्ष कब संभव है? तभी संभव है कि वो अपने पद से अपने आप को दूर करें, तब निष्पक्ष जांच और न्याय होगा। आपको बता दें कि छेड़छाड़ के आरोप के बाद खेल मंत्री संदीप सिंह को कांग्रेस पार्टी ने घेरना शुरू कर दिया है। हालांकि संदीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपने ऊपर लगे इल्जामों को बेबुनियाद बताया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।